मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 8 मार्च और 8 मार्च के इस करंट अफेयर्स के सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहां डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो उसे फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि वहां तरह तरह के अपडेट्स आते रहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको PDF क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज, लेटेस्ट अपडेट आदि चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किस राज्य ने इंजीनियरिंग अनुसंधान नीति योजना लॉन्च की है? जिसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने इंजीनियरिंग अनुसंधान नीति योजना लॉन्च की है। और दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने अगले 5 साल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 45% तक बढ़ाने के लिए भारत की पहली इंजीनियरिंग अनुसंधान नीति योजना को शुरू किया है। और दोस्तों, इस नीति के तहत प्रमुख क्षेत्रों में एरोस्पेस एवं रक्षा, ऑटो एवं ऑटो इलेक्ट्रिक, जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा उपकरण, फार्मा, अर्धचालक, दूर संचार एवं सॉफ्टवेयर उत्पाद हैं। और दोस्तों, ये है कर्नाटक का मैप। और बात करते हैं कुछ कर्नाटक से संबंधित अन्य फैक्ट्स की। तो कर्नाटक में कचरे से चलने वाले 115 मेगावाट क्षमता के बिजली संयंत्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। और दोस्तों, भारत में पहली कचरा रिसाइकलिंग की इकाई भी बेंगलुरु में स्थापित किया गया और बेंगलुरु वृषभवती नदी के किनारे स्थित है। और हाल ही में कर्नाटक के बागवानी मिशन विभाग ने फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की है। और दोस्तों, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन भी कर्नाटक में ही किया जा रहा है। और हाल ही में कर्नाटक में 1600 टन के लिथियम भंडार मिले हैं। और साथ में गौ हत्या विधेयक को भी कर्नाटक सरकार ने पारित किया है। और बात करते हैं असम की। तो असम में हाल ही में बिजली वितरण नेटवर्क को सुधार के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ असम सरकार ने एक समझौता किया है। और साथ में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का भी शुभारंभ किया था, जबकि असम सरकार द्वारा चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना को भी लागू किया गया है। और दोस्तों, बात करते हैं असम के बोडो जनजाति की। तो असम के बोडो जनजाति वहाँ की सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय है और यह 6ठी अनुसूची में मैदानी जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। और बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा से संबंधित प्राचीन स्थल राखी घड़ी तथा दक्ष घेड़ा है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो इंद्रावती नेशनल पार्क, जो दुर्लभ जंगली भैंस की आखिरी आबादी के लिए प्रसिद्ध है, और हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी शुरू किया था। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है? इसका सही आंसर है फिलीपींस। दोस्तों, भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है। और दोस्तों, यह है फिलीपींस का मैप और इसकी राजधानी मनीला है। और फिलीपींस पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और इसकी मुद्रा फिलीपींस पेसो है और फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते हैं। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी फिलीपींस में स्थित है। और बात करते हैं अर्जेंटीना की। तो हाल ही में अर्जेंटीना में अब तक के सबसे बड़े डायनासोर के प्रजाति के टायरनोसोर के विशालकाय जीवाश्म मिले हैं। और बात करते हैं फिर स्वीडन की। तो हाल ही में भारत स्वीडन शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफमैन ने भाग लिया है और स्वीडन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी शामिल हो गया है। नेक्स्ट, SBI पेमेंट्स ने रुपे सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय भुगतान निगम। दोस्तों, SBI पेमेंट्स ने रुपे सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल लॉन्च करने के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के साथ साझेदारी की है। और दोस्तों,
यह सुविधा न्यूनतम लागत पर लाखों खुदरा विक्रेताओं के बीच डिजिटल भुगतान स्वीकृति को मजबूत करने में मदद करेगा और इसके लिए ऐप डाउनलोड करना होगा। साथ ही यह साधारण टैप और भुगतान तंत्र के माध्यम से 5,000 रुपये तक स्वीकार करेगा। और दोस्तों बात करते हैं NPCI की, तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर MCO दिलीप असवे हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। नेक्स्ट, सेराविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? इसका सही आंसर है श्री नरेंद्र मोदी। यहाँ दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सेराविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से नवाजा गया है। और दोस्तों 1983 में डॉक्टर डेनियल एर्गिन ने सेराविक की स्थापना की थी और इसे हर साल मार्च में ह्यूस्टन अमेरिका में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2016 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिबद्ध नेतृत्व के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, उड़ीसा के किस जिले में 12 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाला मेगा स्टील प्लांट स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है केंद्रपाड़ा। दोस्तों उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में 12 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाला मेगा स्टील प्लांट स्थापित किया जाएगा और इसके लिए उड़ीसा सरकार तथा ArcelorMittal कंपनी के साथ एक समझौता हुआ है। और दोस्तों 2030 तक इस संयंत्र में 300 मीट्रिक टन प्रति वर्ष इस्पात उत्पादन हो सकेगा और राष्ट्रीय इस्पात नीति के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के योगदान में यह संयंत्र मदद करेगा। और दोस्तों यह उड़ीसा की स्थिति है भारत के मैप पे। और हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समुद्री व्यापार के क्षेत्र में उड़ीसा के बंदरगाहों को विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा की है। और बात करते हैं राउरकेला की, तो राउरकेला में हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विश्व स्तरीय तथा देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने के लिए आधारशिला रखी है। और भुवनेश्वर की बात करते हैं तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है जो प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। नेक्स्ट, किस निजी बैंक ने सेना के कर्मियों के वेतन खाते को संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। यह दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने सेना के कर्मियों के वेतन खाते को संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है 67th। यह दोस्तों फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत को 100 में से 67 अंक मिले हैं और कृपया इसे करेक्ट कर लें। और दोस्तों फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन विश्व के सबसे मुक्त एवं स्वतंत्र देशों में शुमार हैं। और बात करते हैं फ्रीडम हाउस द्वारा जारी रिपोर्ट की, तो भारत को इस रिपोर्ट में आंशिक स्वतंत्र का दर्जा दिया गया है जबकि पहले इसे स्वतंत्र देश के रूप में दर्जा दिया गया था। और दोस्तों यह रिपोर्ट विश्व में राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर समीक्षा प्रदान करती है और फ्रीडम हाउस अमेरिका में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर है एलन मस्क। यहाँ दोस्तों हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क बन गए हैं और उनकी कुल संपत्ति $197 बिलियन है जबकि दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं जो अमेजन के संस्थापक हैं और उनकी संपत्ति $189 बिलियन है जबकि कोलिन हुक तीसरे स्थान पर हैं और भारत के मुकेश अंबानी $83 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ 8वें स्थान पर हैं। और सबसे ज़्यादा बिलियनियर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिलियनियर अमेरिका में रहते हैं। नेक्स्ट, सामुदायिक रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है इंडियन आर्मी। जहाँ दोस्तों इंडियन आर्मी के द्वारा उत्तरी कश्मीर में सामुदायिक रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन शुरू किया गया है। और दोस्तों इस सामुदायिक रेडियो के शुरू हो जाने से कश्मीर की शांति और सद्भाव में बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट,
युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 के पुरुष तथा महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है वरुण कपूर एवं मालविका बंसोड़। जहां दोस्तों युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 के पुरुष सिंगल्स में वरुण कपूर एवं महिला सिंगल्स में मालविका बंसोड़ ने खिताब जीता है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट्स करें। धन्यवाद।